नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिनट्यूबर। फिनट्यूबर एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड डेली अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फर्दर डिले ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने इस ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा, बेशक आपने इस ब्रांड के प्रोडक्ट भी यूज किए होंगे। जी हाँ, ये है पेंट ब्रांड ड्यूलक्स, जिसको एक्जोनोबल कंपनी बनाती है। एक्जोनोबल इसका ऑफिशियल नाम है। अब इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है। इंटीरियर में अगर देखा जाए तो पेंट्स, टेक्सचर, पैटर्न्स, स्टाइल सभी कलर में इसके पास में अवेलेबल है। बाकी एक्सटीरियर का भी ये काम है, वाटर प्रूफिंग का काम है, वुड केयर एंड मेटल का काम है, और इंस्टीट्यूशन और बिल्डर की रेंज में अगर इसका देखा जाए तो सॉलिटेयर स्टेन रेसिस्ट है, वेदर शील्ड अल्ट्रा क्लीन है, वेदर शील्ड एक्सप्रेस है, वेदर शील्ड इलास्टोमेट्रिक है। अगर इंडस्ट्रियल ब्रांड्स की अगर बात की जाए तो इसके अलग नाम से इसके ब्रांड है इंडस्ट्रियल के लिए, सिक्कंस है, बुटानॉक्स है, डिसाल्वीन है, ड्राई फ्लो है, इलोटेक्स है, क्रोमासिल है, लेवासिल है, रेसिकोट है। इनकी जो कोटिंग की वेराइटीज है, मरीन कोटिंग वगैरह हो गया, प्रोटेक्टिव कोटिंग हो गया, पाउडर कोटिंग हो गया, इंडस्ट्रियल कोटिंग हो गया। कोटिंग वगैरह यानी कि जो मेटल वगैरह के ऊपर पेंट किया जाता है, कोटिंग वगैरह उसको बोला जाता है। ऑटोमोटिव एंड स्पेशलिटी कोटिंग हो गया, ये इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। दोस्तों, जो एंटायर पेंट इंडस्ट्री है अभी स्ट्रगल कर रही है, उसके पास में अभी न ज्यादा डिमांड है और न ज्यादा सप्लाई दे पा रही है, यानी कि न मार्केट में कस्टमर है और ना ही मैन पावर है। तो इस वजह से अभी जो कोविड से जो है इसका बिजनेस भी काफी तरीके से इम्पैक्ट हुआ है। पेंट सेक्टर की सभी कंपनियों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है पास्ट में, चाहे एशियन पेंट्स ले लो, चाहे बर्जन पेंट्स ले लो, कंसाई नैरोलेक ले लो या एक्जोनोबल ले लो, ज्यादातर कंपनियों ने पास्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। लेकिन इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो कुछ खास नहीं आए हुए हैं पेंट्स कंपनीज के। लेकिन वैल्यूएशन जो है अभी अगर किसी कंपनी का अच्छा है तो वो यही कंपनी है एक्जोनोबल, सबसे बेस्ट इसका वैल्यूएशन अभी है। चलिए इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसका थोड़ा सा स्नैपशॉट वगैरह देख लिया जाए। तो दोस्तों, बेशक पेंट सेक्टर में ज्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी पेंट सेक्टर ने सेंसेक्स को आउटपरफॉर्म किया हुआ है। सेंसेक्स ने जहां पे एक साल में 63% के रिटर्न दिए हैं, वहीं पे इस सेक्टर ने 73% के रिटर्न दिए हुए हैं, और सारे शेयर इस सेक्टर के ऑलमोस्ट भाग चुके हैं, ऊपर के लेवल पे अभी मिलेंगे। अगर अभी कोई इन सेक्टर्स के शेयर्स पे अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो काफी ज्यादा रिस्की रहेगा। बट जो एक्जोनोबल कंपनी है उसका अभी एक साल का रिटर्न सिर्फ और सिर्फ 26% है। तो इसका मतलब हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस शेयर के अंदर में अभी वैल्यू बची हुई है। जब 73% और शेयर का जो एवरेज है 73% ये भाग चुके हैं, तो ये अगर कम भागा हुआ है, अगर इसका रिजल्ट में थोड़ा सा भी अगर प्लस पॉइंट होगा तो हम इस पे इन्वेस्ट करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। तो अगर इसके एक दिन के रिटर्न की बात करें तो 2%, एक वीक के रिटर्न की बात करें तो 3%, एक मंथ में 2%, 3 मंथ में 5.5%, 6 मंथ में 7.5%, ईयर टिल डेट की अगर बात करें 1 जनवरी से अब तक तो 6%, 1 साल में 26%, 2 साल में 34%, 3 साल में 19%, 4 साल में 20%, 5 साल में 58%, 10 साल में 164%। यानी कि जो इसका जो अभी तक का मतलब इसके स्टॉक पे रिटर्न की अगर बात करें तो एवरेज से भी इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है पास्ट में इसने। लेकिन अगर कोई शेयर अंडर वैल्यूड है, काफी टाइम तक कोई शेयर चलता नहीं है लेकिन जब चलता है तो कुछ अच्छे रिटर्न्स देके जाता है, जहां पे अदर पेंट कंपनियों ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या तो सेल कम करी है या तो फिर फ्लैट रहा है, तो एक तरीके से इसका भी फ्लैट है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसका थोड़ा सा जो है 1% के समथिंग सेल्स में डिफरेंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसके जो है कम हुए हैं,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर कंपनी की तरह इसके भी 15.5% तक कम हुए हैं। इंटरेस्ट इसने कम किया हुआ है थोड़ा सा, पहले 3% इंटरेस्ट पे किया था, 3 करोड़ इंटरेस्ट इसने दिसंबर के क्वार्टर में पे किया था, जो कि अभी मार्च के क्वार्टर में 1.5% इंटरेस्ट पे किया इसने, 55% का जो था डिक्लाइन है इसमें। एक्सेप्शनल आइटम वगैरह कुछ भी नहीं है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 87 करोड़ से इसका 74 करोड़ हुआ है, तो नेट प्रॉफिट में भी इसका डिक्लाइन है 15% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इसके कम हुए हैं, 17 से 14 हुए हैं। तो अभी काफी चीज हैं, जैसे मान लो सेल नहीं है बट खर्चे ज्यादा हैं, जैसे एक्सपेंसेस वगैरह ज्यादा हैं, जैसे मतलब इसके एडवर्टीजमेंट का खर्चा हो गया, या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, वेयर हाउस का खर्चा हो गया, फैक्ट्री का जो एक्सपेंसेस है वो तो वही रहेगा ना बॉस जो पहले था, प्रोडक्शन नहीं है तो क्या। अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर पे जाहिर सी बात है अगर इंडस्ट्री में काम ही नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं है, तो ग्रोथ होना तो थोड़ा टफ हो जाता है। बट ये है कि कंपनी अगर अपने आप को प्रॉफिट में स्टिल बना के रखती है तो ये बहुत बड़ी बात है। लास्ट ईयर मार्च के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 2661 करोड़ का इसका सेल था, जो घट के अभी 2421 करोड़ हुआ है, 9% का इसमें डिक्लाइन है। अगर मार्च के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 379 करोड़ से 340 करोड़ अभी हुआ है, 10% का इसमें डिक्लाइन है। अगर इंटरेस्ट की बात की जाए तो इसने 9 करोड़ इंटरेस्ट पे किया था लास्ट ईयर, और इस ईयर इसने 10 करोड़ इंटरेस्ट पे किया हुआ है, इसमें भी 10% जो है इसने ज्यादा पे किया हुआ है। अगर एक्सेप्शनल आइटम की बात करें तो लास्ट ईयर में इसका जो था लॉस था 5 करोड़ का, बट अभी जो है एक्सेप्शनल आइटम इसका 0 है, तो इसमें 100% का ग्रोथ ये बता रहा है। बाकी नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 237 से 207 इसका नेट प्रॉफिट हुआ है, 12% का नेट प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है। मार्जिन ऑल्सो इसके कम हुए हैं, 14.24% से 14.07%, हालांकि ये फ्लैट है एक तरीके से। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर है जिनके पास में 74% का स्टेक है। प्लेज वगैरह कुछ भी नहीं है, गिरवी शेयर वगैरह नहीं रखे हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स की स्टेक इसमें 5.75% है। FIIs की जो स्टेक है इसमें 1.43% है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग की अगर बात करें तो इंपेरियल केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये जो इसकी सिस्टर कंसर्न है, इसके पास में सबसे ज्यादा स्टेक है। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एशियन पेंट्स लिमिटेड ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। एशियन पेंट्स लिमिटेड पेंट्स की सबसे बड़ी कंपनी है, निफ्टी की दिग्गज कंपनी है, और पेंट की इंडस्ट्री में उसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो अगर वो कंपनी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, पेंट की दूसरी कंपनी में, 4.41% का उसका स्टेक है, तो उसको उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना उसको इस इंडस्ट्री के बारे में पता होगा, ग्रोथ के बारे में पता होगा, इस कंपनी की ग्रोथ के बारे में पता होगा, उतना शायद एक आम इन्वेस्टर को या फिर इवन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी इसके बारे में पता नहीं होगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की बात करें तो जो HNIs हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हैं, उनकी जो होल्डिंग इसमें है 6.82% है। अब हम इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल देख लेते हैं। 10,341 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू इसका 9,788 करोड़ है, जीरो डेट कंपनी एक तरीके से। 4.55 करोड़ इसके शेयर्स टोटल ट्रेड होते हैं। पी इसका 55 है। प्राइस टू बुक इसका 7.94 है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका अभी महंगा है, बट पेंट्स कंपनी का सबका यही वैल्यूएशन है। अगर ओवरऑल इसको देखा जाए तो सबसे कम ओवर वैल्यूड ये कंपनी है। अभी पी को भी हम कंपेयर करेंगे। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ज्यादा डिविडेंड देती नहीं है कंपनी, 0.62% का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू इसकी 286 है। कैश इसके पास में 553 रिजर्व है। डेट इसका 0 है। प्रमोटर होल्डिंग इसका जैसा कि हमने देखा था 74.76% तब भी था, अब भी है। अर्निंग पर शेयर इसका 41 है। सेल्स ग्रोथ इसमें थोड़ा सा माइनस में जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 20.03% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 28.01% है। काफी अच्छा है अगर देखा जाए तो दोस्तों। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 8.92% है। ये जो रिकॉर्ड है लास्ट ईयर का है, अभी का जो है वो भी हम देख लेते हैं। अभी इसका पी जो है थोड़ा सा कम हुआ है, 55 से 53 हुआ है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा सा बड़ा हुआ है। ईवी टू इबिट इसका 41 है। ईवी टू इबिट इसका 31.62 है।
एंटरप्राइज वैल्यू टू कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 12 है, एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स इसका 4.47 है, पैग रेशियो इसका 0 दिखा रहा है अभी, और डिविडेंड यील्ड इसकी अभी जो है 1.53 है अभी की के टाइम में, लास्ट क्वार्टर में इसने डिविडेंड अच्छा दिया था तो इसलिए ग्रो हो गया है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसकी जो है वो भी फ्लैट ही है, 28 था तो 27 अभी है, 27.29, रिटर्न ऑन इक्विटी भी लगभग सेम ही है, और वैल्यूएशन का स्नैपशॉट अगर हम देखें इसका तो वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन बता रहा है इसका अभी जो है, बिलो 2611 अगर ये है तो वेरी अट्रैक्टिव है, अगर 2634 से 3202 की रेंज में रहता है तो अट्रैक्टिव है, 3225 से 4383 की रेंज में रहता है तो फेयर है, अगर 4405 से ऊपर रहता है तो एक्सपेंसिव है, तो एक तरीके से अभी जो इसका वैल्यूएशन है वो 2611 है, यानी कि वेरी अट्रैक्टिव इसका वैल्यूएशन है अभी के टाइम में। अगर इसके पेयर्स को भी इसी तरीके से हम एनालाइज करेंगे तो उनको उनका जो वैल्यूएशन है या तो फेयर आएगा या तो एक्सपेंसिव आएगा। अब फिनस्टार्क्स की बात करें तो इसका 3 स्टार दिया हुआ है फिनोलॉजी ने, ऑनरशिप के लिए 4 स्टार, वैल्यूएशन के लिए इसने एकदम माइनस में स्टार दिए हुए हैं, वैल्यूएशन यानी कि हर पेंट कंपनी का ही ज्यादा है, अभी पी का देखेंगे तो समझ आएगा, एफिशिएंसी के लिए 5 स्टार, फाइनेंशियल के लिए 2.5 स्टार, यानी कि स्टेबल नहीं है अभी फाइनेंशियल किसी भी कंपनी के लिए। बस एशियन पेंट्स की अगर बात करें तो इसका पी 86 है, बर्जर पेंट्स की बात करें तो 125 है, कंसाई नैरोलैक की बात करें तो 56 है, एक्जन नोबल जिस कंपनी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसकी अगर बात करें तो 55 है, शालीमार पेंट्स ने तो लॉस किया हुआ है इसलिए इसका 0 दिखा रहा है। अगर इस कंपनी के 3 स्ट्रेंथ हम देखेंगे तो वो ये है कि कंपनी ने सिग्निफिकेंटली डेट अपना डिक्रीज किया हुआ है, कंपनी ने पास्ट 3 ईयर्स में अपना जो आरओई है वो मेंटेन करके रखा हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का, और तीसरा जो इसका स्ट्रेंथ है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसने पास्ट 3 ईयर्स में मेंटेन करके रखा हुआ है, कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है, और लिमिटेशंस की बात करें तो कंपनी ने लास्ट 3 ईयर्स में माइनस में जो है प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है इसका -1.31% है इसका पास्ट 3 ईयर्स में, रेवेन्यू ग्रोथ में भी इसने जो है पास्ट 3 ईयर्स में कमजोरी दिखाई है, और कंपनी जो है हाई पी पे ट्रेड कर रहा है जो कि ऑलमोस्ट सभी इसकी पीयर्स कर रही हैं। तो आइए हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा रेवेन्यू और प्रॉफिट को देख लेते हैं, मार्च 2020 के जो क्वार्टर में इसने रेवेन्यू जनरेट किया था 581 करोड़ का, उसके बाद जून 2020 में 258 करोड़ का, सितंबर 2020 में 606 करोड़ का, दिसंबर 2020 में 774 करोड़ का, और मार्च 2021 में 781 करोड़ का, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2020 के क्वार्टर में इसने 54 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था नेट प्रॉफिट, और जून के क्वार्टर में इसने लॉस किया था 20 करोड़ का, सितंबर के क्वार्टर में इसने 66 करोड़ का प्रॉफिट किया था, दिसंबर के क्वार्टर में इसने 87 करोड़ का प्रॉफिट किया था, और अभी जो लास्ट का जो मार्च का क्वार्टर है उसमें इसने 74 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ। और अगर इसके ईयर ऑन ईयर पे रेवेन्यू की बात करें तो 2016 से 2020 के बीच में, 2016 में इसने 2640 का रेवेन्यू जनरेट किया था, 2017 में इसने 2836 करोड़, 2018 में इसने 2968 करोड़, और 2019 में इसने 2918 करोड़, और 2020 में 2661 करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट किया था, यानी कि फिनस्टार सही बता रहा है कि फाइनेंशियल इसका स्टेबल नहीं है, यहां तक तो इसने देखिए बस ग्रोथ करी थी कंटिन्यूअसली 26 28 29, और यहां से फिर ये फ्लैट होके अभी ये जो है फ्लैट से थोड़ा सा कम हो गया, कुछ इसमें कोविड का भी रोल है, कुछ इसमें मार्जिन्स भी इसके कम हुए हैं उसका भी रोल है। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 2016 में 214 करोड़, 2017 में 247 करोड़, 2018 में 400 करोड़, 2019 में 211 करोड़, 2020 में 237 करोड़, यानी कि प्रॉफिट भी स्टेबल नहीं है इसका, कम ज्यादा कम ज्यादा। बाकी बैलेंस शीट कंपनी ने मजबूत कर ली है, पहले इसका शेयर कैपिटल 46.70, 46.70, 46.70 ये हुआ करता था, इससे इसने अगर शेयर कैपिटल कम किया हुआ 45.60, 45.60 तो ये पॉजिटिव साइन है, कंपनी धीरे धीरे जो है अपना स्टेक बढ़ा रही है। और अगर एक्जो नोबल के इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो उससे
ऊपर ये कंपनी मिल रही है, एफडी रेट से रिटर्न अच्छे हैं, डिविडेंड रिटर्न देती है अच्छा, डिविडेंड भी, एंट्री पॉइंट भी अच्छा है, रेड फ्लैग भी वगैरह भी कुछ नहीं है, कंपनी जेन्युइन है। अब इसके टेक्निकल्स की बात करते हैं। टेक्निकली कंपनी जो है वैसे तो मतलब मजबूत लग रही है, राउंडिंग बॉटम टाइप का यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है और इसका ब्रेकआउट भी ऑलमोस्ट इसने दे चुकी है, देने वाली है, तो यहां तक ये हो सकता है कि यहां तक कुछ टाइम बाद ये जाए। देखिए मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है वो तो मार्केट के ऊपर है। अगर इस रिजल्ट का इसने पॉजिटिव इंपैक्ट किया, क्योंकि अगर देखा जाए तो रिजल्ट कोई बुरा नहीं है और वैल्यूएशन भी इसका कोई ज्यादा नहीं है, और अगर इस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है रिजल्ट अच्छा है करके, तो इसके तो ये मान लो कि 2450 तक ये आराम से जाएगा ऊपर। अगर मान लो इस रिजल्ट को मार्केट नेगेटिव लेता है तो एक तरीके से देखा जाए तो ये पूरे सपोर्ट लेवल पर ही अपने है। अगर यहां से गिरता भी है तो ये गिरेगा ज्यादा से ज्यादा 2140 तक, यानी कि 2267 से 120 पॉइंट तक ही यहाँ पे गिरेगा। मतलब 5-6% से ज्यादा इसमें जो है रिस्क नहीं है, 5 से 6% का इसमें रिस्क है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे गिरता है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर लीजिए इसको, और चाहें तो फिर इस रैली में शामिल हो सकते हैं, वो अकॉर्डिंग टू मार्केट, जैसा भी मार्केट जाता है उस हिसाब से आप देख लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके सलाह सुझाव हैं कोई तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, और आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस की प्लेलिस्ट है, न्यूज बेस्ड आइडियाज की प्लेलिस्ट है, स्टॉक ऑफ द डे की है, तो ये सारी चीजें आप चेकआउट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।